नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा शेयर की। दोस्तों जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेयर की, हमारे कॉलमों में ज़्यादातर RCC वॉल में इस जगह पर डाली जाती है, दी जाती है। पर क्यों दी जाती है इसका बहुत कम लोगों को पता है। और काफ़ी बार मैंने साइट पर खुद भी देखा है, जो नए फ्रेशर्स आते हैं वो लोग पूछते हैं कि सर ये कॉन्क्रीट में हमने ब्रिक क्यों रख दी, या फिर सर हमने ये कंक्रीट में गैप क्यों छोड़ दिया बीच में। तो ये इसका क्या कारण है, मैं वो सारी बातें आज के वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से नीचे लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे दोस्तों होगा क्या, जो इस तरह की जो साइट सिविल साइट जुड़ी हुई, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई जो भी नॉलेज है वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शेयर की होता क्या है। एक्चुअल में शेयर की जो है कॉलम्स में, जो बड़े कॉलम्स में दिए जाते थे पहले ना, लेकिन ये सभी कॉलमों में दिए जा सकते हैं और ये बहुत अच्छा होता है आपके कॉलमों के लिए। इसलिए अच्छा होता है कि इसमें अगर आपने मान लीजिए आपने कोई कॉलम है, अगर आपने वो 8 फुट तक भरा, एक फर्मा लगाया है मैक्सिमम जो कॉलम है वो 8 फुट तक ही भरा जाता है। काफ़ी बार लोग 10 फुट तक भी भरते हैं लेकिन सही 8 फुट तक रहता है। अगर 8 फुट तक भरा जाता है उसके ऊपर आपको जॉइंट देना है, मतलब कि उसके ऊपर और फिर उसके आगे कॉलम भरना है, मतलब आपको मान लीजिए लन कॉलम के आगे और प्रकार भरना है तो आपको कॉलम में वो जॉइंट हो जाएगा। तो उसमें नीचे वाला जो कंक्रीट होगा वो ओल्ड हो जाएगा और जो ऊपर वाला कंक्रीट वो नया हो जाएगा। तो अक्सर क्या होता है, जो हमने पहला वाला कॉलम जब भरा तो उसका जो एंड है कॉलम का वो हम फिनिश कर देते हैं, बहुत अच्छे से प्लेन कर देते हैं, प्लेन हो जाता है वो। अगर नहीं भी करते हैं तो स्लेरी आ जाती है ऊपर उसके पास, कारण से वो ऊपर का जो टॉप है जो उसका कॉलम का वो बहुत अच्छा प्लेन और प्लेन सरफेस हो जाता है। या बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई सरफेस जब प्लेन होता है तो उसमें बॉन्डिंग बहुत मुश्किल से बनती है। ये चीज़ें आपने उस जगह पे देखी होंगी जहाँ पे साइड पे ब्रिक वर्क किया जाता है कॉलमों के साइड में, तो वहाँ पे अक्सर देखा होगा आपने सीमेंट का यूज़ किया जाता है या फिर प्लस्तर करते टाइम पे कॉलमों पे टक मारा जाता है, कॉलमों पे छत पे टक मारा जाता है। वो क्यों मारा जाता है क्योंकि प्लस्तर का बॉन्डिंग जो है वॉल कॉलम से वॉल से अच्छा हो, इसलिए टक मारा जाता है। तो यही सब कारण है, जबकि ये शेयर की का यूज़ इसलिए किया जाता है जिसमें कि ओल्ड कंक्रीट नए कंक्रीट का अच्छी बॉन्डिंग बना सके। प्लस अच्छी बॉन्डिंग बनाने के बाद होता क्या है, हमारे ऐसे अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है जब नए कंक्रीट और ओल्ड कंक्रीट में, क्योंकि दोस्तों ओल्ड कंक्रीट जो है उसका सेटिंग टाइम पहले वो सेट हो जाएगा और जो नई कंक्रीट है उसका वो थोड़ा लेट से सेट होगा। ऐसे में दोस्तों कई बार ये भी होता है कि जो आपका आधा कॉलम है वो आपने डाल दिया 15 दिन पहले, उसके बाद आधा कॉलम डाला आपने 15 दिन बाद। तो ऐसे में अगर आपने शेयर की डाल रखा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर की नहीं डाल रखा है तो ऐसे में दिक्कत होती है। आपका कॉलम जो होता है नीचे वाला कंक्रीट वो पहले सेट हो जाता है, फिर बाद में ऊपर वाला कॉलम डालते हैं तो वो बीच में जो ऐसी एक इमेजिनरी लाइन रह जाती है जो आपको नॉर्मल आंखों से शो नहीं करती है, लेकिन वो एक गैप रह जाता है, वो बॉन्डिंग नहीं बना पाता है कंक्रीट उस कॉलम के साथ में उतनी अच्छी तरीके से। अगर शेयर की ब्रिल डली हो तो आपका शेयर की में कंक्रीट एडजस्ट हो करके भी वो बॉन्डिंग ओल्ड कंक्रीट से न्यू कंक्रीट का बन जाता है। अब शेयर की बहुत लोगों को पता नहीं है होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने यूज़ करते हुए देखा ही नहीं है साइड पर, क्योंकि बहुत जहाँ पे पुश किया जाता है वहीं पे डालते हैं, वहीं पे काम करते हैं शेयर की का, वरना वैसे लोग शेयर की नहीं डालते। मैं अभी कॉपी पेन पे आपको दिखा देता हूँ कैसे शेयर की होती है, कहाँ पे किस जगह पे डालते हैं। अब दोस्तों शेयर की का जैसे मैंने इम्पोर्टेंस बता दिया, शेयर की आपके जैसे भूकंप रेजिस्टेंस में भी बहुत काम आता है। अगर आपने शेयर की डाली हुई है, शेयर की किया और डाला हुआ है कॉलमों में तो बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हुई। अगर मान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट आने वाले टाइम में कभी काफ़ी तेज भूकंप आता है तो कॉलम में जब जॉइंट है तो वो रेजिस्ट करेगा, हिलेगा, मगर अगर वो जॉइंट ढंग से नहीं है, प्रॉपर जॉइंट नहीं है कॉलम जो दो भाग में डाला है, उसमें प्रॉपर जॉइंट अगर वो नहीं लगे हुए हैं तो वो जब ज़्यादा तेज भूकंप आएगा तो बीच में से वो कोलैप्स कर जाएगा या फिर बीच में से क्रैक्स के निशान आ जाएंगे। तो ये सब क्रैक्स के निशान भी इसी कारण से आते हैं दोस्तों। तो ऐसे में अगर आप शेयर की डाला हुआ है तो उसमें आपका कोलैप्स नहीं कर सकता है, वो बीच में फंस जाएगा। वो एक अच्छी मान लीजिए कि कोई किसी चीज़ में छेद है उसमें ऐसे आपने फंसा दिया तो वो कैसे गिरेगा। अब कोई चीज़ आपने ऐसे ऊपर रखी हुई है तो वो ऐसे फिसल के या फिर ऐसे टूट सकता है।
तो मतलब इसलिए मैं अब आपको कॉल कॉपी पेन पे दिखा देता हूँ शेर की कहते किसको है। चलिए दोस्तों अब कॉपी पेन पे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं शेर की किसको होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दे। दोस्तों अब मेरी शिकायत रही है आपसे कि आप वीडियो देख के चले आते हो और लाइक नहीं करते हो, तो फटाफट से लाइक कर दे दोस्तों। चलिए दोस्तों कॉपी पेन पे, जैसा कि नेचुरली आप देख रहे हैं कि कॉलम जो हमारा साइड पर होता है वो इस प्रकार से होता है। अब दोस्तों जब हम इसको भरते हैं फरमा लगा करके, ये हमारा फरमा लगा हुआ है मान लीजिए, और इसको हम भर रहे हैं। आप जो भर देने के बाद इसको यहाँ पे एक शेयर की आपको देनी होती है, जो शेयर की आपकी किसी भी तरह की हो सकती है आपकी, चाहे वो आप लकड़ी की दो, चाहे वो आप ब्रिक की दो, किसी भी तरह की। वो बस करना क्या होता है उसमें, कुछ नहीं करना है, आपको कॉलम भर देना है। कॉलम भरने के बाद ऊपर एक ब्रिक रख देनी है। कुछ लोग ब्रेक रख देते हैं, कुछ लोग लकड़ियाँ रख देते हैं, वो अपने ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हो, आपके पास क्या आसानी से उपलब्ध है। तो एक्चुअली बस यहाँ पे एक गैप बन जाता है। जब आप इसके ऊपर फिर आप कॉलम भरोगे, जब इसके ऊपर आप कॉलम भरोगे तो फाइनली फिर आपका जो कॉलम भराएगा वो इस कॉलम के साथ बहुत अच्छी तरह से वो जॉइंट हो जाएगा। कॉलम अच्छी तरह से जॉइंट हो जाएगा वो कॉलम। और इसी प्रकार से ये टॉप व्यू देख रहे हो आप एक कॉल इस कॉलम का, तो इस कॉलम में मान लीजिए इस कॉलम का टॉप व्यू है ये, तो इसके कॉलम में यहाँ पर आपको एक ब्रिक डाल देनी है, या फिर जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो, पत्थर हो या फिर लकड़ी हो, वो आप डाल करके यहाँ पे एक शेयर की बना सकते हो और बन जाएगा। फिर उसके ऊपर से आप कोई भी कभी भी कॉलम कास्ट कीजिए, 10 दिन में 15 दिन 5 दिन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक्चुअल में लोग जल्दी ही कास्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये शेयर की का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। इसी तरह से दोस्तों जब आप एक RCC वॉल कास्ट करते हो या फिर ऐसा कुछ भी कास्ट करते हो जो RCC से जुड़ा हुआ है, चाहे वॉल हो चाहे आपका कॉलम हो, तो उसमें ये शेयर की देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे दोस्तों होता क्या है कि एक कॉलम के बीच में बॉन्डिंग या फिर वॉल के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है, और ये आपके टाइम आने वाले मतलब कि ये आपको एक्स्ट्रा पावर देता है, एक्स्ट्रा मजबूती देता है आपके वॉल को या फिर आपके कॉलम को। तो इसलिए दोस्तों ये कॉलम दोनों को जो बहुत अच्छी तरह मजबूती देने के कारण इसको यूज़ किया जाता है शेयर की। अब आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करके वीडियो ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें, बस अपनी राय ज़रूर दें वीडियो के बारे में। अब दोस्तों जो नए हैं जैसे कि हमेशा की तरह वो सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और चाहें तो फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप फटाफट से जा करके वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपसे डायरेक्टली बात करूँगा और लाइव चैट पर वहाँ पर मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।